Good morning, kids. So in today's class, what we will do? We will revise. हम revise करेंगे सारे vowel sound. पर कैसे? Fill in the blanks के form में. अब आपको सारे vowel sounds याद हो चुके हैं ना? हम उन्हें revise करते हैं fill in the blanks के form में. कैसे करेंगे हम? मैम यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करेगी. आपको वो पिक्चर को गेस करना है कि वो किसकी पिक्चर है और वो वर्ड बोलोगे. ओके, सो इट्स लाइक अ गेम. गेम की तरह है एकदम. सो आर यू ऑल रेडी? चलो मैं पिक्चर ड्रॉ करती हूँ और आपको क्विकली गेस करना है कि वो किस चीज का पिक्चर है. सो फर्स्ट पिक्चर Yes. What is this? ये आप अपने सिर पे पहनते हो. Yes. This is a hat. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ hat. Hat. First beginning sound आ रहा है. H. Hat. मैं बिगनिंग साउंड लिख रही हूँ और मैं लास्ट वाला साउंड लिख रही हूँ. है ट ट. ठीक है, मैम ने बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड यहाँ पे लिख दिया है. है ट. अब जो ये बीच में जो ब्लैंक है, इसमें कौन सा वोवेल आएगा? ए ई आई ओ यू. इन सब में से यहाँ पे मिडल में कौन सा वॉवल फिल करेंगे हम? तो इसके लिए क्या करना है, हमें हैट बोलना है और देखना है कि किसका साउंड आ रहा है बीच में. तो बोलो सब, हैट हैट. ए किसका साउंड आ रहा है? ए. और ये ए किसका साउंड होता है? क्या यू का साउंड होता है? ए नो, यू का साउंड तो अ होता है. क्या ओ का साउंड होता है? ए नो, ओ का साउंड तो ओ होता है. क्या आई का साउंड है? ए नो, आई का साउंड तो ई होता है. क्या ई का साउंड है? ए नो, ई के साउंड में तो छोटा वाला मुंह खुलता है, ए. क्या ए का साउंड है? ए यस, ए का साउंड होता है ए. और यहाँ पे भी क्या साउंड आ रहा है? हैट. देखो जब आप हैट बोल रहे हो तो बड़ा वाला माउथ खुल रहा है आपका, हैट ए. तो यहाँ पे कौन सा वोवेल आएगा? ए. ए वोवेल आएगा यहाँ पे. ओके, हैट हैट. इंटरेस्टिंग है ना? चलो अब हम एक और ट्राई करते हैं. अब मैं नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करूंगी. आपको बताना है कि वो किसकी पिक्चर है. ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली. ओके, केयरफुली ऑब्जर्व करोगे पिक्चर को एकदम. चलो, विच पिक्चर इज दिस? किस चीज का पिक्चर है? इससे आप लिखते हो? आप नहीं लिखते हो, इससे मैम आपकी कॉपी चेक करती है. यस, दिस इज अ पेन. दिस इज अ पेन. अब मैम वापस से यहाँ पे बिगनिंग साउंड और एंडिंग साउंड लिख रही है. तो पेन में बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? शुरू में किसका साउंड आ रहा है? प. पेन प. तो मैं प के लिए कौन सा लेटर लिखूं? पी. यस, पी. अब मैं मिडिल वाला इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ और लास्ट का साउंड लिख रही हूँ, न. पेन न. न के लिए कौन सा लेटर लिखूं मैं? यस, एन. न होता है एन का साउंड. ठीक है, अब देखो, अब इस मिडिल में इसमें से कौन सा वोवेल
आएगा ये हमें देखना है. तो जब बोलेंगे हम पेन, बोलो सब पेन. पेन कैसा मुंह खुल रहा है आपका? पेन. क्या यू का साउंड आ रहा है? यू का साउंड तो अ होता है. अगर हम इसमें आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पन. ये तो गलत हो जाएगा. क्या इसमें ओ का साउंड आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया तो प ऑन पॉन बन जाएगा. ये तो ये भी गलत है. अगर मैंने यहाँ पे आई लगा दिया, आई का साउंड होता है ई, तो क्या बन जाएगा? पिन. क्या ये पिन है? नो, ये तो पेन है. ए आ रहा है, ए. अगर मैं यहाँ पे ई लगाऊंगी, ई का साउंड होता है ए, तो क्या बनेगा? प ए न पेन. प ए न पेन. तो क्या ये सही है? यस, दिस इज करेक्ट. यहाँ पे आ रहा है ई का साउंड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वोवल ई. प एन पेन. प एन पेन. देखो जब आप पेन बोलते हो तो आपका छोटा वाला माउथ खुल रहा है, पेन. अगर यहाँ पे ए लगा दी थी तो क्या बन जाता? प एन पैन. बड़ा वाला माउथ खुलता. अभी यहाँ पे ई है तो छोटा वाला माउथ खुलेगा, पेन. ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे आज एग्जाम्पल्स करेंगे अपनी बुक में. ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स फाइव फ्लाई एंड स्टार्ट डूइंग. नाउ इन योर बुक यू विल टेक आउट शीट नंबर 20. शीट नंबर 20 पे हमें फिल इन द ब्लैंक करना है. हमने अभी अपना सारा, हमने ए ई आई ओ यू, हमने सारे वोवल साउंड रिवाइज किए, वर्ड फैमिलीज किया, है ना. अब हम ये सारा मिक्स हो रखा है आपको, इसमें सारे साउंड आएंगे ए ई आई ओ यू. आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा वोवल आएगा इस ब्लैंक में. ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्लीज़ लुक एट द पिक्चर. क्या मतलब हुआ? हमें पिक्चर को देखना है एंड आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ द वोवल. और हमें वोवल के साउंड आइडेंटिफाई करने हैं. हमें पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, हमें वो वर्ड बोलना है और फिर उस वर्ड में कौन सा साउंड आ रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सो प्लीज़ कंप्लीट द नेम्स ऑफ द वर्ड्स फिलिंग द करेक्ट वोवल. हमें करेक्ट वोवल को इसमें फिल करना है. कैसे करेंगे? सपोज दिस इज़ द पिक्चर. ये एक पिक्चर है, हमें इस पिक्चर को पहले देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि ये किसकी पिक्चर बनी है. सो दिस पिक्चर इज़ ऑफ अ रैट. ये पिक्चर है एक रैट की. तो अब र स्टार्टिंग में साउंड आ रहा है, र र. और र कौन से लेटर का साउंड होता है? आर का. तो आर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी आर लिखा हुआ है. उसके बाद किसका साउंड आ रहा है? से रैट. जब हम रैट बोल रहे हैं तो किसका साउंड आ रहा है मिडिल में? रै. ए का साउंड आ रहा है. और ए कौन से वोवल का साउंड होता है? ए ई आई ओ यू. इन पांचों में से कौन से वोवल का साउंड ए होता है? ए. यस, ए का साउंड होता है ए. तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए. ठीक है, और लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? रैट. लास्ट में आ रहा है ट. ट होता है टी का साउंड. तो टी ऑलरेडी हमारा यहाँ पे गिवन है तो हमें नहीं लिखना, हमें सिर्फ ये मिडिल वाले ब्लैंक फिल करने हैं. ठीक है, हमें साउंड पहचानना है कि कौन से वोवल का साउंड है और फिल करना है. नेक्स्ट करते हैं, ये किसकी पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मैन. अब इसमें किसका साउंड आ रहा है मिडिल में? मैन. ए. इसमें भी ए साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है ना. तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे ए. देन नेक्स्ट, बैग.
बै, इसमें भी ए का साउंड आ रहा है ए, यहाँ पे भी आएगा ए. देन ये क्या है, दिस इज अ पैड, राइटिंग पैड जिस पे आप लिखते हो ना, तो इसमें भी किसका साउंड आ रहा है मिडिल में, पैड ए, और ए होता है ए का साउंड, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन करते हैं. ये यहाँ पे एक मैन है, ये क्या कर रहा है, ये एक रॉबर है, ये सामान ले जा रहा है किसी का, ये क्या कर रहा है, ये रॉब कर रहा है ये. तो जब हम बोलते हैं रॉब, रॉ, किसका साउंड आ रहा है मिडिल में, रॉ, ओ, किसका आ रहा है, रॉ, ओ. तो ओ कौन से लेटर का साउंड हुआ, ओ का, तो हम यहाँ लिख देंगे ओ. देन ये किसका पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पॉट, ये एक पॉट का पिक्चर है. तो जब आप पॉट बोलते हो, पॉट, किसका साउंड आ रहा है बीच में, कौन से वोवल का, क्या ए का साउंड है, ओ, पॉट, नो, क्या ई का है, पॉट, नो, क्या आई का साउंड है, पॉट, नहीं, क्या ये ओ का साउंड है, पॉ, ओ, यस, ओ आ रहा है, और ओ कौन से लेटर का साउंड है, कौन से वोवल का साउंड है, ओ का, तो हम यहाँ पे ओ लिख देंगे. नेक्स्ट पिक्चर है एक मॉप की, मॉप मतलब जो आपका पोछा होता है, स्टैंडिंग पोछा होता है जो, तो इसमें भी किसका साउंड आ रहा है मिडिल में, मॉप, ओ, इसमें भी ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा वोवल ओ. देन दिस इज अ पॉड, ठीक है, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, जो मटर का जो पीस का जो छिलका है, ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको हम पॉड बोलते हैं. तो इसमें भी कौन से वॉवल का साउंड आ रहा है, पॉड, ओ, और ओ होता है ओ का साउंड, तो हम ओ वॉवल लिख देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स डू द लास्ट लाइन. किसका पिक्चर है ये, दिस इज द सन, सन है ये, सन, सन, तो कौन से वॉवल का साउंड आ रहा है, सन, सन, अ, अ आ रहा है, और अ कौन से लेटर, कौन सा वॉवल है, अ, कौन से वॉवल का साउंड होता है, अ, ए, ई, आई, ओ, यू, क्या ए का साउंड है, अ, नहीं, ए का साउंड तो ए होता है, क्या ई का साउंड है, नो, क्योंकि ई का साउंड होता है ए. क्या आई का साउंड है, आई का साउंड ई होता है. क्या ओ का साउंड है, नहीं, ओ का साउंड तो ओ होता है. क्या यू का साउंड है ये, यस, यू का साउंड होता है अ. और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सन, सन, अ, अ आ रहा है, अ होता है वोवल यू का साउंड, तो हम यू लिख देंगे. नेक्स्ट पिक्चर है एक मग की, मग, मग, अ, यहाँ पे भी अ वोवल आ रहा है, अ वोवल साउंड, और अ वोवल साउंड होता है यू का, तो हम यहाँ पे भी यू लिख देंगे. देन ये है एक बन, 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 यहाँ पे भी अ का साउंड आ रहा है, अ वोवल, ब, अन, अ, तो यहाँ पे भी हम यू लिख देंगे. देन ये क्या है, एक बड, बड, मतलब ये जो कली निकल रही है फूल की, वो है बड, तो इसमें भी किसका साउंड आ रहा है, बड, ब, अड, अ, बीच में आ रहा है अ, ब, अड, तो अ कौन से वोवल का साउंड है, यू का, तो यहाँ पे भी हम यू लिख देंगे. ठीक है, तो कौन कौन सा वॉवल यहाँ पे कवर हो गया, यहाँ पे ए वॉवल कवर हो गया, है ना, इन सब में
ए का साउंड आ रहा था. देन इन सब में किसका साउंड आ रहा था मिडिल में? ओ वॉवल का. तो हमारा ये ओ वाला भी कवर हो गया. देन लास्ट में हमारा किसका साउंड आ रहा है? लास्ट लाइन में मिडिल में यू वॉवल का साउंड आ रहा है, यू का साउंड अ. तो ये यहाँ पे यू का हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये तो शीट नंबर 20 था. अब आपको नेक्स्ट शीट, शीट नंबर 21. ये जो शीट नंबर 21 है, आप इस शीट को खुद से अपने आप ट्राई करोगे. ठीक है, वैसे ही आप हर एक पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे, वो वर्ड बोलोगे और देखोगे कि बीच में मिडिल में कौन से वॉवल का साउंड आ रहा है. ठीक है, हमारा ए, ओ और यू वॉवल हो चुका है. ठीक है, अब मैं आपको हिंट के लिए बताती हूँ कि कौन कौन से वॉवल बच रहे हैं. ए हो गया हमारा, ए के बाद हमारा बच रहा है ई वॉवल बच रहा है. ओके, ओ हो गया है हमारा, हमारा आई वॉवल बच रहा है ना, और ओ तो हो गया है और यू भी हो गया है, तो ई वॉवल बच रहा है और आई वॉवल बच रहा है. ओके, सो दिस शीट यू विल ट्राई इट योरसेल्फ.